जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बेटा आज हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का 6 सेशन होने वाला है और ये हमारा एक छोटा सेशन होगा क्योंकि ऑलमोस्ट आज ही बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम पास्ट ईयर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखा था, ठीक है, रेशो के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर, मिक्सचर के अंदर। आगे देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू 4b अपॉन 5 इज इक्वल टू 3c अपॉन 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो कोई ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बताया था कि कभी भी अगर इक्वल टू में दे रखे हैं ना और आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो उसने क्या दे रखा है, 2a अपॉन 3 बराबर 4b अपॉन 5 बराबर 3c अपॉन 4। यहाँ से आपको abc का रेशियो निकालना है। तो आप abc का रेशियो निकालने का आसान तरीका क्या है, a का मल्टीपल क्या है 2 अपॉन 3, इसका उल्टा कर दो 3/2। b का मल्टीपल कितना है 4 अपॉन 5, इसका उल्टा कर दो। सी का मल्टीपल कितना है 3/4, इसका उल्टा कर दो। अब क्या करो, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में नंबर क्या है तो आप देखोगे 2, 4, 3, 12, एलसीएम आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 3 × 12 = 4, 6 = 16। तो आपके पास ए बी सी का क्या आ गया, ये रेशो आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान कर देना, मैंने क्या कहता था डिग्री पे ध्यान दो, ये नंबर जो भी होगा अंडर रूट है ना स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, मतलब एक यूनिट का स्क्वायर भार को माना जाएगा। जब आप एक यूनिट के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो भार कितना है, एक यूनिट, ये कितना है, ए, ए भी क्या है, एक यूनिट। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, ध्यान रखो जब आप ये पुट करोगे ना, ए की वैल्यू दिस, बी की वैल्यू दिस, सी की वैल्यू दिस, आपको बस डिग्री चेक करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री सेम है ना, डायरेक्ट बेटा एज इट इज वैल्यू डाल दो। तो मतलब ए की वैल्यू कितना है, अच्छा कट रहा है कि किसी से नहीं कट रहा, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 16 डाल दो उसमें, तो 18 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितना है 18, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर 256, माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट, तो 225 256 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा 131, और ये कितना है आपके पास 324, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 1 = 5, 3 और 2 = 5, 355 आपका आंसर, ठीक है, अंडर रूट 355 यानी कि ब्रावो आंसर। ऐसे केस में ना आपको ये 2-3 तरीके से देखने को मिल सकता है, लाइक जैसे अभी अगर आपने बेटा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी तो आया था एक, जैसे a अपॉन 2, b अपॉन 3, c अपॉन 4, आपसे बोल देगा ए बी सी का रेशो बताओ। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा है और तब आपसे ए बी सी का रेशो पूछा है तो आसान है, क्या करो एज इट इज़ लिख दो, यानी कि 2:3:4। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे होती कि ट्वाइस ऑफ a ये इक्वल टू है, ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू थ्राइस ऑफ b इक्वल टू 4 times of c, तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपको a रेशो b रेशो c निकालना है ना, तो 2, 3, 4 का एलसीएम लो कितना है, तो 4 × 3 = 12, 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 12 को 4 से डिवाइड करो 3, ये आपका ए बी सी का रेशो आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रोपोर्शन में जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए और रेशो के अंदर भी। अगला क्वेश्चन देखो सेम उसी पे है, आपको ए बी सी डी का रेशो दे रखा है √4, √3, √2, √1, क्या चेक करना है रेशो देख के। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देख रहा है पूछा हुआ है, ज़्यादातर बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, डिग्री चेक करना है बस, डिग्री हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो डिग्री कितना है 2, 2, 2, 2, यहाँ पे कितना है 2, 2, 2, अगर डिग्री सेम है ना फिर कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, ए की वैल्यू कितना है √4, तो माइनस का ए स्क्वायर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3 आ जाएगा, सी स्क्वायर 2 आ जाएगा, डी स्क्वायर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 है तो 3 और 1 = 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे बटा बचा 2 विच इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट आपका बिना एक्स माने आपको सोल्व कर लेना है, बस डिग्री सेम होना चाहिए। अगर डिग्री अलग अलग होता ना फिर दिक्कत आता है। आगे देखो आपसे बोला गया है कि इफ एम रेशो एन इज इक्वल टू 1:2 एंड पी रेशो क्यू इज इक्वल टू 3:4। अब देखो डिग्री चेक करो, 1 1 1
वन, ठीक है, तो डिग्री कैसी है, सेम है, डिग्री सेम है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। आई थिंक ये थ्री क्यू होगा, ठीक है, ये थ्री, ये 39 नहीं है, थ्री क्यू है ये, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये थ्री क्यू है। तो अगर m रेशो वन, वन रेशो टू है, मतलब m की वैल्यू वन, n की वैल्यू कितना है टू, डायरेक्ट मान लेंगे। अगर p रेशो क्यू, थ्री रेशो फोर है, तो p की वैल्यू थ्री, q की वैल्यू कितना है फोर, डायरेक्ट यहाँ पे आप पुट कर दो। तो टू इंटू m, m की वैल्यू कितना है वन, प्लस फोर टाइम्स ऑफ p, तो चार तिया बारह, डिवाइडेड बाय या रेशो n, n कितना है आपके पास टू, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ q, यानी कि तीन चौक बारह, तो बारह और दो चौदह, बारह और दो चौदह, यानी कि कितना आएगा आपके पास वन अपॉन वन, विच इज इक्वल टू वन रेशो वन, यानी कि यहां से आपका आंसर आ जाएगा अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो, अ बोटल कंटेन स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशो वन रेशो फोर एंड अनदर आइडेंटिकल बोटल, ध्यान देखो, आइडेंटिकल बोटल का मतलब क्या है, उनका जो कैपेसिटी है, जो उनका वॉल्यूम है, वो सेम है ना। कंटेन स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशो फोर रेशो वन, इन वॉट रेशो शुड द मिक्सचर इन द टू बॉटल वी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर इन विच द रेशो ऑफ स्प्रिट टू वाटर इज वन रेशो थ्री। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना बिना एलिगेशन के आप आसानी से कर ही नहीं सकते, ठीक है। मिक्सचर के ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या लगाओगे आप, एलिगेशन लगाओगे। अब ये आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर एलिगेशन लगाना है, कहाँ पर एलिगेशन नहीं लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। उसने बोला है कि भाई आपके पास दो बॉटल हैं और एक बोतल है जिसके अंदर स्प्रिट और वाटर का जो रेशो है, स्प्रिट और वाटर का रेशो है वन रेशो फोर। दूसरी बोतल के अंदर जो बेटा स्प्रिट और वाटर का रेशो है वो कितना है, फोर रेशो वन। अब मैं इन्हें किस रेशो में मिलाऊं, मैं इन्हें किस रेशो में मिलाऊं कि जब मैं इनका मिक्सचर किसी एक तीसरे कंटेनर में डालूं, ठीक है, जो तीसरा कंटेनर है जिसमें इसका कुछ रेशो मैंने मिलाया है, तो उसके अंदर स्प्रिट और वाटर का रेशो कितना है, वन रेशो थ्री। तो एक तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, पहले उसको देख लो, फिर मैं आपको एलिगेशन सिखाऊंगा कि भाई कंटेनर वन कंटेनर टू स्प्रिट और वाटर का रेशो है, तो पहले वाले में वन रेशो फोर, दूसरे वाले में फोर रेशो वन। आइडेंटिकल बॉटल का मतलब क्या, कैपेसिटी सेम होना चाहिए। क्या कैपेसिटी सेम आ रहा है, चार और एक पाँच, चार और एक पाँच सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस रेशो में ऐड करूं, मान लिया एक्स रेशो वाई में ऐड करा, ठीक है, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू को हमने एक्स रेशो वाई में ऐड करा, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। रूल क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी पानी में जाके मिलेगा और मिल्क हमेशा मिल्क में जाके मिलेगा। तो क्या बनेगा नया रेशो, एक्स रेशो फोर एक्स, ऐसे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वाई रेशो वाई। स्प्रिट हमेशा स्प्रिट में जाके मिलेगा, पानी पानी में जाके मिलेगा, तो नया रेशो कितना आएगा आपके हिसाब से, x प्लस फोर वाई डिवाइडेड बाई फोर एक्स प्लस वाई, और बेटा नया रेशो है कितना, वन रेशो थ्री, यानी कि वन अपॉन थ्री। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा आपके पास, थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे इलेवन वाई, तो x अपॉन y की जो वैल्यू है कितना है, 11 अपॉन वन, विच इज इक्वल टू 11 रेशो वन। यानी कि कंटेनर वन कंटेनर टू को आपको मिलाना पड़ेगा 11 रेशो वन की फॉर्म में। ये तो तब है जब आपको जो है एलिगेशन लगाना नहीं आता है, लेकिन अगर आपको एलिगेशन आता है, देखो कैसे करना है फिर इसको। कंटेनर वन कंटेनर टू, ठीक है, स्प्रिट कितना है उसमें, स्प्रिट, और देखो किसी एक चीज़ पे काम करो, आइदर स्प्रिट पे और आइदर पानी पे। अगर स्प्रिट और वाटर का रेशो वन रेशो फोर है, तो आप मुझे बताओ स्प्रिट कितना है वन, पानी कितना है चार, टोटल कितना है पाँच, तो किसी एक पे टोटल क्वांटिटी के साथ काम करो। मान लो स्प्रिट पे काम करा, तो पहले कंटेनर में स्प्रिट है टोटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में वन, टोटल कितना है पाँच, पाँच में से एक कितना है स्प्रिट, दूसरे में लगाओ स्प्रिट कितना है 4 अपॉन 5। इन दोनों का जो मिक्सचर है, जब आपने इनको मर्ज किया, मर्ज करके जो आपने नया कंटेनर में डाला उसमें स्प्रिट कितना है, तो 1 अपॉन 4, वो कितना जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 4।
अगर 1/4 है, अब क्या करेंगे, आपको एलिगेशन लगाना आता है ना भाई, ये हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये इन दोनों की बीच की वैल्यू है तो क्या करेंगे फिर इसमें, अब देखो बड़ी वैल्यू है छोटा होगा, ये छोटी वैल्यू है तो बड़ा होगा, मतलब ये कैसा है छोटा है, ये कैसा है बड़ा, तो ये हमेशा क्या होगा बड़ा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 4/5 माइनस 1/4 रेशो 1/4 माइनस 1/5, ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये 1/अपॉन में क्या है टोटल क्वांटिटी, ये अपॉन में क्या है टोटल क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन में क्या है ये टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आपको एलिगेशन पे अप्रोच करना है तो ऐसे हो जाएगा, देखो 4 × 16, 16 में से 5 गए 11/20, ऐसे कितना जाएगा 1/20, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा 11:0। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग है कि आपको एग्जाम में क्या अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको एलिगेशन पे ही अप्रोच करना पड़ेगा, आपका जो है ये टाइम कम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसको बेटा, खुद से ट्राई करो, मैंने आपको बताया ना ऐसे क्वेश्चन, अभी एक बार ट्राई करो कैसे होगा। अब उसने क्या कहते रखा है आपको, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी है 5:7:6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, डिग्री पे काम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर एक बात बताओ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आपको दे रखा है, बेसिकली मुझे यहां से फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी, अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी फाइंड कर पाया तो मेरे लिए ये निकालना बहुत आसान है। तो टाइम एंड वर्क में भी आपको याद होगा और रेशो में भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसी टर्म दिखे, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 5, बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 7, सी प्लस ए की वैल्यू कितना है 6, सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इधर, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू कितना है, तो 7 × 5 = 12 × 6 = 18, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, मुझे ए निकालना है, तो क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9, तो बी प्लस सी कितना है 7, तो 9 में से 7 गया 2, ए की वैल्यू कितना है 2। अगर बी निकालना है तो ए प्लस सी माइनस कर दो, ए प्लस सी कितना है 6, तो 9 में से 6 गया 3। अगर सी निकालना है तो ए प्लस बी माइनस कर दो, ए प्लस बी कितना है 5 है, तो यहां से कितना मिलेगा आपके पास ये 4, तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9 आपका आंसर। समझ आई नहीं आया, तो इसका मतलब आप कह सकते हो ए रेशो बी रेशो सी कितना है 2:3:4, क्या पूछा आपसे, ए माइनस बी तो ए कितना है 2 माइनस बी कितना है 3 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी, तो कितना बनेगा देखो 4 × 2 = 6 में से 3 गया 3, ठीक है 3 × 2 = 5 में से 1 गया 1, तो रेशो कितना बना आपके पास, तो रेशो बना 3:1, दैट इज चार्ली आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ₹9400 is डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर इन सच अ वे दैट ₹93, ₹24, ₹55 आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, देन दे हैव मनी इन द रेशो 3:4:5, व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, ठीक है व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, और ऐसा क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिल जाएगा रेशो में, अगर आपने बेटा बेसिक प्रैक्टिस किया है तो ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा इसमें दिक्कत वाली बात क्या थी, क्योंकि ये 2024 का ही बेटा ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि ₹9400 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर, तीन लोगों के बीच में आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इफ ₹93, ₹24, ₹55 आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, अगर मैं उनके मतलब जब हमने इसको तीनों में डिवाइड करा ना, अगर मैं उनके शेयर में से क्या माइनस कर दूं 93, 24, 55, तो उनके शेयर का रेशो कितना जाएगा 3:4:5, मतलब मुझे इसमें से 9400 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो 93, 24, 55, ठीक है, तो कितना जाएगा 5, 4, 9 और 3, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 5, 15 और 2 70, यानी कि 172, तो बेटा 9400 में से अगर मैं 172 माइनस कर दूं
ना। तो कितना जाएगा, देखो यहाँ से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 9228। यानी कि ये वो शेयर है जब हमने उनके एक्चुअल शेयर में से 93, 24, 55 डिडक्ट करके, क्योंकि रेशियो हमें दे रखा है ये हटाने के बाद, तो हमने ओरिजिनल क्वांटिटी में से भी वो हटा दिया। मतलब आपके पास पी और क्यू और आर के जो शेयर का रेशियो है वो कितना है, 3:4:5। पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 5, इन तीनों का समेशन ये आपको दे रखा है। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितना है, 9228। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे कितना जाएगा यहाँ से, 12 7 84, और 84 और 62 आ जाएगा, 84 और 6 8 82। ओके, तो 12 7 84, ज़्यादा हो जाएगा, 82 है ना, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 6 72, तो 72 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 बचेगा, 10 और 2 8, 108, और 12 9 108। व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, पी का शेयर कितना है, 3 यूनिट। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू ये है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, तो 3 9 18 का 8, हासिल लगा 1, तो 3 6 18 और 1 19 का 9, हासिल लगा 1, तो 3 7 21 और 1 22, ठीक है, 2298। और 2298 में क्या ऐड करेंगे हम, 93 ऐड कर देंगे। एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक करो यार, ठीक है, चलो एक बार बस आप कैलकुलेशन चेक करो। यहाँ पे हमने पी क्यू आर दे रखा है, 4 3 7 और 5 12, यूनिट की वैल्यू कितना है, 9228। 172 माइनस किया है, यहाँ पे देखो 10 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 9228। तो 9228 को जब हमने 12 से डिवाइड करा है, 12 7 84 और 8 82 हो जाएगा, 12 6 72 और 10 बचेगा, 12 9 108, ठीक है, यानी कि 769। क्या पूछा आपसे, पी पूछा है, पी का कितना है, 3 यूनिट, तो 3 9 27। ओके, कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो को 3 9 27 का 7, हासिल लगे 2, 3 6 18 और 2 20 का 0, हासिल लगे 2, तो 7 21 और 1 2 23, तो आंसर क्या आएगा। लेकिन ये बेटा कौन सा शेयर है पी का, ये वो शेयर है जब हमने उसमें से 93 घटाया था। अब उसने पूछा है पी का शेयर, तो या तो आंसर ये होगा या फिर 93 ऐड कर दो, तो 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा और 1 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा और 1। तो या तो आंसर होना चाहिए 2400, क्या 2400 ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है उसने आपसे, 2307, दैट इज अल्फा आंसर, ठीक है। आगे देखो, आपके पास उसने बोला है कि भाई दो कंटेनर हैं, देर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी, इन कंटेनर ए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:3, एंड इन कंटेनर बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज m:n, इफ द मिक्सचर इन द कंटेनर ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3 टू गेट 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:7, देन वट इज द वैल्यू ऑफ m अपॉन n। क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप लोगों ने एक बार पढ़ा है तो आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि लैंग्वेज की वजह से, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, अब क्वेश्चन को ब्रेक करो, प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने किया ना तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को ब्रेक करो, क्या बोला है कि देयर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी, इन कंटेनर ए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:3। कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, दोनों के अंदर क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो, इसके अंदर भी क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो, कितना यहाँ पे ये 1:3। कंटेनर बी के अंदर कितना यहाँ पे, m:n। इफ द मिक्सचर ऑफ द इन द कंटेनर ए एंड बी आर मिक्स इन द रेशियो 2:3, अगर दोनों को 2:3 की फॉर्म में हमने मिक्स किया है, टू गेट 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, हमें जो है, हमें 20 लीटर का मिक्सचर चाहिए, और इन दोनों को हमने 2:3 में ऐड किया है, और हमें उससे 20 लीटर ऑफ मिक्सचर चाहिए, और जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:7। मतलब ये कब है, जब ए और बी हमने 2:3 में मिलाया, मिला के हमें क्या मिला, 20 लीटर का मिक्सचर। अब यहां से देखो, जैसे उसने बोला ना 20 लीटर का मिक्सचर, आपका काम आसान हो गया।
देखो आपने ए और बी के जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का जो रेशियो है ए और बी का, जिस रेशियो में मैंने मिलाया वो कितना था, 2:3, और क्वांटिटी मुझे टोटल क्या मिला, तो आप बोलोगे टोटल क्वांटिटी आपको मिला यहां से 5। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी, हमें टोटल क्वांटिटी मिला 20 लीटर। आपके हिसाब से आपकी ए की जो क्वांटिटी है वो 2 यूनिट है, बी की कितना है, 3 यूनिट, तो टोटल क्वांटिटी 5, यानी कि 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4। तो आप कह सकते हो कि क्वांटिटी ए और बी, यानी कि ए की जो क्वांटिटी वो कितना है, 2 यूनिट, तो यानी कि 8 लीटर, ठीक है, ये लीटर में है, यह है आपकी ए की क्वांटिटी। अगर मैं बी की क्वांटिटी की बात करूंगा जो कि 3 यूनिट है, तो वो कितना हो जाएगा यहां से, 4 * 12 लीटर। अब ये जो ए था, ध्यान रखो, ए में बेटा मिल्क और वाटर 21:1 में है, 3:1, क्वांटिटी कितना है इसकी टोटल, 8 लीटर, मतलब 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है, अब ये डायरेक्ट आना चाहिए, तो ए में मिल्क और वाटर कितना है, 2 और 6, यानी कि 2 लीटर और 6 लीटर। बी की टोटल क्वांटिटी कितना है, 12, और जिसमें मिल्क किसमें था, एम और एन में, तो आप कह सकते हो कि भाई एम प्लस एन कितना जाएगा यहाँ से, 12, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 12 / m + n, और अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क कितना है यहाँ से, m यूनिट। क्यों बोल रहा हूँ, किसी एक क्वांटिटी पे काम करो, इस वाले 20 लीटर का जो मिक्सचर था इसमें मिल्क और वाटर है कितना, 3:7, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 2, तो मिल्क कितना है उसमें, मिल्क आ जाएगा 6, पानी कितना है यहाँ पे, 14। अगर मिल्क 6 है तो जब दोनों को मिलाया होगा तो दोनों की मिल्क की जो क्वांटिटी आपस में आके मिली होंगी, यहां पे मिल्क कितना था, 2 लीटर, ध्यान रखो, यहां पे मिल्क कितना था, 2 लीटर, कंटेनर ए में, कंटेनर बी में मिल्क कितना है, तो आप बोलोगे 12 m/(m+n) इज इक्वल टू, यहां से मिल्क कितना मिला, 6 यूनिट मिला, एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे कहां से, वाटर से। वाटर कितना है पहले वाले में, ए में था 6 लीटर, दूसरे में कितना मिलेगा, बन जाएगा 12 n/(m+n) इज इक्वल टू, वाटर कितना है यहाँ से, 14, क्योंकि उसने क्या पूछा आपसे, m/n रेशो पूछा है। तो इसको बस सॉल्व करना है बेटा, मैं इधर की तरफ कर देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लेके आ जाएंगे, तो कितना बचेगा ये, 4 बचेगा, 4 से 4 * 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा ये, अच्छा इसी को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये बचेगा यहाँ से आपके पास, मैं कर देता हूँ 12 m/(m+n) = 4, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा, 3 m = m+n, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 m = n, तो m/n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, यही तो पूछा है, आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा कोई डाउट है तो बता देना, बस ये क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हो 2-3 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, और यहाँ पे जो हर बार आपको क्वांटिटी देता है बस उसने उसको गायब कर दिया, इस बार उसने आपको लास्ट वाली क्वांटिटी दे दी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आसान हो गया, अगर ये ना दिया होता तो क्वेश्चन टफ हो जाता, लेकिन जैसे उसने आपको ये क्वांटिटी दे दी पूरा क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ पाए एग्जाम के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और जिसमें हमने पूरे बेटा 24 मतलब 10 साल के पास्ट ईयर्स को, 2013 से लेकर 24 तक हमने डिस्कस किया है, थोड़े बहुत हमने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, फिर हमने क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखा है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है स्टेटमेंट की फॉर्म में, जो आपको बार बार आता है, क्या बोला हुआ है इसमें, अ क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पी सैलरी टू क्यू सैलरी इज 6:5, हाउ मच इज पी इज एक्सपेंडिचर। अब आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो क्लास में बेटा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ये स्टेटमेंट मैं आपको लिखा देता हूँ डायरेक्ट, कि कभी भी अगर आपको रेशियो दे रखा है ना, तो आप वैल्यूज़ को कंपेयर तो कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, लेकिन सिर्फ रेशियो से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है ना, उसने आपको रेशो दे रखा है सैलरी का, ठीक है, 6:5, आपको एक्सपेंडिचर का रेशो दे दिया, मतलब आपको एक्सपेंडिचर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, द रेशो ऑफ पी सेविंग टू क्यू सेविंग इज 3:2, यहां पे क्या दे दिया उसने,
सैलरी का रेशो, यहाँ पे क्या दे दिया, सेविंग का रेशो। आपको भले ही ये पता हो इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ रेशो दे रखा है तो आप कंपेयर तो कर सकते हैं उन वैल्यूज को, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले स्टेट यहाँ पे आपको सिर्फ दे रखा है रेशो, और स्टेटमेंट में भी आपको दे रखा है रेशो, मतलब यहाँ से हम आंसर, हम जो है एक्सपेंडिचर जो है पी का फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द रेशो ऑफ पीज एक्सपेंडिचर टू क्यूज एक्सपेंडिचर इज, यहां पे क्या है इनकम का रेशो, यहां पे क्या है एक्सपेंडिचर का रेशो। अगेन रेशो रेशो, क्या एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर हमने दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, इसमें दे रखा है इनकम का रेशो, यहां पे दे रखा है सेविंग का रेशो, यहां पे दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशो, अगेन तीनों का क्या है रेशो, अगेन आप कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट टुगेदर, इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब ये जिन बच्चों को डायरेक्ट पता था ना कि भी रेशो से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वो बेटा क्वेश्चन को पढ़ते, स्टेटमेंट पढ़ते, विद इन 10 सेकेंड, ध्यान रखो विद इन 10 सेकेंड आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। और जिन बच्चों से मैंने बात की थी बेटा एग्जाम के बाद, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हमने इसमें 2 मिनट दिया है, हमने इसमें 3 मिनट दिया है, देना ही नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बेटा, आप हमेशा पीछे भागो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के। अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागोगे ना, तो आधे शॉर्टकट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और शॉर्टकट मिलने के बाद ना आप मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिस करो, आपके खुद के शॉर्टकट ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और सीडीएस के एग्जाम में ध्यान रखना बेटा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए मस्ट है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको शॉर्टकट्स भी आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली एंड विद इन टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो हमने फ्री बैच स्टार्ट किया है उसमें हम अभी तक हमने कंप्लीट किया है रेशो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर, जो भी हमारे पिछले 10 साल के पास थे विद बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसमें परसेंटेज, तब तक आप हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप सीखते रहिए, और मैं आप सभी से मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।